बनाया, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत इसको। I'm like an addict, do I gotta have it? I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it. Fuse like a me. Time तो हो रहा है बहुत ही ज़्यादा, रात कहने का मतलब 12 बजे के 12 एक बजे के आसपास का समय हो रहा है। और अपने इस ब्लॉग के सिलसिले में इस शाम को मैं पहुँच चुका हूँ शिवपुर में, मतलब रात को शिवपुर में पहुँच चुका हूँ। और हमारे ये जो ब्लॉग शिवपुर में, ये जो सोमनाथ टेम्पल का है और एक और अयोध्या के आधार पे जो राम मंदिर का है, ये दोनों एक साथ ही हम लोग ब्लॉग इस पर शूट करने वाले हैं रात के टाइम में। तो आप लोग बने रहिएगा, हम लोग आगे चलते हैं और इसको पूरा करते हैं। तो इस समय ये शिवपुर का आप नज़ारा देख रहे हो रात के टाइम का, और ट्रैफिक बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो रहा है लोगों को गाड़ियाँ खड़ा करने में। You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted. You've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. शिवपुर एरिया के इस क्षेत्र का ये जो पंडाल है बहुत ज़्यादा बड़ा है और बहुत ही आकर्षित है, तो यहाँ पर भीड़ भी उसी हिसाब से बहुत ज़्यादा है। तो कुछ ये सीन है रोड का, यहाँ के रास्ते में जाते समय का बहुत ही अच्छा बनाया गया एक तरफ, और एक प्रकार से तिरंगे वाले ही रूप में यहाँ का इस रोड लाइट को बनाया गया है। आप इस समय, हालांकि बहुत लेट नाइट है, उसके बावजूद भी दुकानें वगैरह सभी ओपन है, क्योंकि मेले का समय तो होगा ही। खैर, तो गेट के अंदर जाने का ये सीन है इस समय आप लोग देख रहे हो, मैं भी अंदर की तरफ चल रहा हूँ। तो भीड़ बहुत ज़्यादा है, लेकिन उतना ही आकर्षित, बहुत ही खूबसूरत ये सीन है। तो कुछ ये मंजर है अंदर का, बहुत ही ज़्यादा भीड़ वाला एरिया है ये, हालांकि यहाँ बनाया बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत इसको। कुछ ये है रात का सीन, दिन के ब्लॉग में आपने देखा है ऑलरेडी, और ये रात का ब्लॉग है तो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है, बहुत ही ज़्यादा भीड़ है, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने जब बनाया था इस पर, मतलब इसके पहले, तो इतना भीड़ था नहीं, दोपहर का था। लेकिन अब आप देखो इतने टाइम का नज़ारा एक दो के आस पास हो रहा है उसके बावजूद। तो इधर स्क्रीन लगी हुई है अपने प्रचार के लिए, यहाँ के जो दुकानदार हैं, दर्पण ऑप्टिकल में उन्होंने ये लगाया है। मदद के लिए, जो अगर कोई अपने परिवार से बिछड़ जाता है, खो देता है कुछ समय के लिए भी, तो यहाँ पर मदद करने के लिए लोग भी हैं, क्योंकि इतना बड़ा मेला है तो जाहिर से मतलब कुछ ना कुछ दिक्कत हो ही जाता है लोगों। इसके पीछे का ये जो बैकग्राउंड आप देख रहे हैं, तो इस बैकग्राउंड सीन में आप ये देख रहे हो कि ये जो मौजूद है झूले वगैरह, इस समय बंद है, पता नहीं क्या कारण है, लेकिन कोई भी चालू है नहीं। हो सकता है टाइम ज़्यादा हो, लेकिन अभी तो समय बहुत है, लोग भी बहुत ज़्यादा हैं। खैर, दुकानें कुछ इस तरीके से लगी हुई है अंदर ही। इधर खिलौने की दुकानें भी लगी हुई हैं।
यहाँ बिक्री करते करते लोग थकावट की वजह से सो भी जा रहे हैं, जैसा कि आप देख सकते हो ये हाल है। तो बस आज और कल दो ही दिन बचा हुआ है, इसके बाद ये ख़त्म हो जाएगा सिलसिला। तो यहाँ पर भी काफ़ी सारी दुकानें हैं, हर एक चीज़ की दुकानें यहाँ पर लोग लगाए हुए हैं। इधर लाइटनिंग बहुत ही अच्छा लग रहा है इस साइड से भी। थोड़ा सा बाहर चलते क्योंकि इसके अलावा भी एक जगह और थोड़ी दूर पे एक और पंडाल लगा हुआ है, उसको भी थोड़ा सा बना के इसको कंप्लीट करेंगे। तो जैसा कि आपको बता रहा था, थोड़ा सा आगे चलने के बाद एक और दुर्गा पंडाल है यहाँ पर, तो उसको अभी हम लोग रहे सहे इसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये रहा शिवपुर का दूसरा पंडाल। तो अयोध्या में राम मंदिर का थीम पे बना हुआ है। तो दूसरे पंडाल पे भी मैंने वीडियो बना लिया है और इसी वीडियो के साथ हमारी ये ब्लॉग भी यहीं ख़त्म होता है। तो उम्मीद है जैसा आपको लगा हो अच्छा हो, उम्मीद हो। तो खैर, ऐसे इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ आप मेरे साथ जुड़े रहिए। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।